हेलो ग्रीनर्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सकुलेंट्स जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, इंडियन क्लाइमेट के लिए भी बेस्ट है, जो हाई ह्यूमिडिटी और हीट को टॉलरेट आसानी से कर लेगा। ऐसा ही एक ऐसा प्लांट है रूबीज नेकलेस। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ कि रूबीज नेकलेस जो है फ्रेंड्स, वो बहुत ही हैवी होता है। तो इसके लिए आपको जो सॉइल यूज़ करनी है वो ग्रेवल्स वाली नहीं करनी है, और इसको जो है थोड़े डीप पोट में लगाना है, क्योंकि ये ब्रांचेज जो है थोड़ी हैवी होती जाती है तो ऊपर से निकल जाती है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो फिर सॉइल कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग सॉइल में इसको लगाया है, ये जो है गार्डन सॉइल और कंपोज में लगा है ये। फिर आप इसको ग्रेवल्स वाली, मतलब आपको इसमें जो है हम जो फाइन पार्टिकल्स रिमूव करते हैं वो नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जो सैंडी सॉइल होती है कंस्ट्रक्शन वाली सॉइल, वो सैंड ले लेनी है 50%, और 50% जो है इसमें कंपोज ऐड कर देना है। ये तो कंप्लीट जो है सॉइल, गार्डन सॉइल और कंपोज में ही लगा है, और ये जो है ये सैंड, थोड़ी सी परलाइट और कंपोज में लगा है, थोड़ा बहुत राइस हस्क भी इसमें डाला है। तो हर तरह की सॉइल में चलने वाला ये प्लांट है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम्स आएगी फ्रेंड्स, वो आएगी ओवर वाटरिंग की। तो ओवर वाटरिंग जो है आपको अपने सॉइल के हिसाब से करनी है। जैसा कि आपने गार्डन सॉइल में लगाया है तो विंटर में इसको वीकली वाटरिंग कीजिए। मैं जो हूँ इसको फुल सन में रखती हूँ, तो 5 डेज में वाटरिंग करती हूँ, और सॉइल जो है वो कंप्लीट ड्राई होने के बाद ही आपको इसमें वाटरिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, तो आपको इसकी ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही निगलेटेड हो गया था पोट मेरा, तो इस तरह से जो है वो अंडर वाटरिंग से पूरा सूख गया है। सबसे पहला जो होगा वो अंडर वाटरिंग से, ये देखिए इस तरह से जब प्लांट अंडर वाटर होगा तो इसकी लीव्स जो है वो श्रिंक हो जाना स्टार्ट हो जाएगी, देखिए, फिर कंप्लीट ड्राई हो जाएगी। और वाटरिंग थोड़ी हुई है फ्रेंड्स, तो थोड़ी बहुत आपको येलो लीव्स भी दिखेगी, ये देखिए इस तरह से आपको येलो लीव्स दिखेगी, और आप इसको छुएंगे तो नीचे जो है इसके ये लीव्स गिर जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि प्लांट्स जो है उसमें ओवर वाटरिंग हुई है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स सनलाइट की। तो विंटर जो है इसमें मैं इसको फुल सन पे अपने टेरेस पे रखती हूँ, और जिस तरह से आप इसको सनलाइट देंगे उस तरह से ही इसका कलर आएगा। ये जो है ये शेड में पड़ा था, तो शेड में ये इस तरह से लेगी भी हो जाएगा और इसका कंप्लीट ग्रीन भी हो जाएगा। ये जो है फ्रेंड्स, इसको जो है नून की सनलाइट अभी विंटर में मिल रही है, फिर भी आप देखिए ये लेगी सा हो गया है, और पानी डालते ही इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। और ये जो है ये 1 बजे से 4 बजे तक इसमें सनलाइट आती है, तो देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत लगता है, देखिए। और देखिए मैंने बताया आपको ये हैवी होती जाती है तो इस तरह से हो जाएगा, तो पोट जो है थोड़ा डीप ही चूज़ कीजिएगा। और जैसे ही बहुत विंटर स्टार्ट हो जाएगा, लेस वाटरिंग करेंगे आप, वाटरिंग बहुत ही 10 दिन में एक बार करेंगे, और इस प्लांट को सुबह 7 बजे से लेकर मतलब दोपहर तक की धूप जो है आराम से मिलती रहती है, और बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, और आप इसका कलर देखिए। तो ये सारे जो है अकॉर्डिंग टू सनलाइट अपना कलर जो है वो चेंज करते रहते हैं फ्रेंड्स। इसका प्रोपोगेशन भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल उतना ही जितना चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इसका बेस्ट सीज़न है फ्रेंड्स, तो मुझे जो है ये पोर्ट जो है वैसे भी खाली करना ही है, देखिए पूरा का पूरा जो है वो सैंडी सॉइल में ही लगा है ये।
और हमेशा फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए कि ये जो प्लांट्स है उसकी हमेशा कटिंग्स लगाते रहिए, क्योंकि इसकी रूट्स जो होती है वो एक तो बहुत स्मॉल टाइनी सी और डेलिकेट होती है, जो समर और मॉनसून में काफ़ी डैमेज हो जाती है केयर करने के बावजूद भी। तो अभी जो है इसकी न्यू कटिंग्स लगाते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए इस तरह से थिक थोड़ी कटिंग लीजिए इसकी, और बेस्ट सॉइल होगी फ्रेंड्स 50% सैंड और 50% कंपोस्ट, उसी में आपको इसे इस तरह से दबा देना है। थोड़ा जो है इसको डीप लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेवी हो जाएगी तो ये बाहर निकल जाएगी। ये कंप्लीट ड्राई है फ्रेंड, ठीक है। चलो अब आपको इसमें वाटरिंग जो है वो सिर्फ स्प्रे करना है, 2-3 चम्मच या ऐसे स्प्रे कर दीजिए, पूरा मग्गा भर के इसमें पानी नहीं डालना है। हो सके तो छोटी छोटी कटिंग्स लीजिए, जितनी छोटी कटिंग्स लगाएंगे अलग अलग तरह से उतना ही आसान रहेगा। होप यू गाइज द वीडियो विल हेल्प यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।